नमस्कार किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि खरपतवार नियंत्रण क्यों ज़रूरी है मक्के की फसल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मक्के की फसल है और ये हो गई है अभी लगभग एक दो दिन कम है और एक महीने की मक्के की फसल हो चुकी है। और वैरायटी की बात करें तो हमने इसमें सीकर का 8199 वैरायटी बोया है। इसमें हमने एक बार दवा का स्प्रे कर दिया है और 4-5 दिन पहले हमने इसमें यूरिया खाद डलवा दिया है, तो थोड़ा थोड़ा कलर आ चुका है अभी। लेकिन हमने जब ये दवा का स्प्रे किया था डेंजर का, तो देखिए ये भर्रू खरपतवार है, ये मरी नहीं थी, तो इसको हम उखड़ा कर फेंकवा रहे हैं अभी। ये देख सकते हैं, एक एक पौधे को उखाड़ कर ये बीच में रखते जा रहे हैं। पिछले बार भी हमने ऐसे ही किया था, काफ़ी भर्रू हो गया था पिछले बार भी। बाकी अदर खरपतवार तो ज़्यादा नहीं है, इसी खरपतवार को निकलाने के लिए आज देखिए किस तरीके से निकालाई हो रही है। आज पहला दिन है, नहीं तो ये भुट्टे से ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, फिर दिक्कत होता है, उत्पादन कम आता है। और ये देख सकते हैं इल्लियाँ को भी प्रकोप होने लगा है कुछ कुछ पौधों में। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, कितना घना भर्रू हो गया है कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ जगहों पर कम है, लेकिन सफाई करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फसल नहीं हो पाएगी, इसमें उत्पादन नहीं मिलता है। इसलिए पिछले बार भी हमने खेत की निराई कराया था, इस बार भी कराया जा रहा है। इस तरीके से एक एक पौधे को उखाड़ लिया जाता है। देखिए इसकी हाइट भी काफ़ी आ गई है, लगभग 1.5 से 2 फुट के खरपतवार हो गई है, कुछ दिनों मक्के से भी बड़ी हो जाएगी अभी। और दवाई इसमें हमने टेंजर का उपयोग किया था, लेकिन थोड़ी बरवार रुकी थी, लेकिन फिर से बढ़ना चालू हो गई है इसकी हाइट। इधर साइड तो आधे खेत में काफ़ी अधिक था और इधर साइड थोड़ा कम है, तो अच्छा है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है। ये देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी बढ़ चुकी है, लगभग 1 से 1.5 फुट हो गई है। इसको जड़ से उखाड़ के ऐसा तोड़ना पड़ता है, लेकिन इतना टाइम नहीं रह पाता है। ये देखिए, जहाँ देखें वहाँ पर भर्रू की खरपतवार हो गई है हमारे खेत में। मक्के की फसल तो मीडियम समझ में आ रही है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। हमने इसमें धार विधि से बोनी किया है, जिसका हमने वीडियो बनाया है आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, किस तरीके से हमने धार तैयार किया, फिर पहले तो खेत तैयार किया, फिर धार तैयार किया, फिर बोनी किया, फिर इसमें दवा स्प्रे किया, फिर खाद, फिर हम निंदाई, फिर इसके बाद एक बार और खाद डाली जाएगी। देखिए दोस्तों, एक आदमी ये दो लाइन लेकर चलता है और बीच का इधर से इधर, जैसे कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है चलने में भी। छोटी धार पीली वाली शेड में बहते तो उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है चलने में भी।